कौन नंदनी? और वो अचानक से गाड़ी से कूदकर जंगल में भाग जाती है। ये क्या था यार? क्या हमें अभी भी ये फिल्म बनानी चाहिए? सच बताओ, मेरी तो अभी से हवा टाइट हो गई है। और उन सबको वही दो आदमी वापस आते हुए नजर आ रहे थे। काका, अभी एक बुढ़िया मिली थी हमें। वो बुढ़िया, वो तो गांव की पागल औरत है। आप लोग आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है। और वो दोनों चले जाते हैं। सूरज, एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं और अंजलि जाकर मैकेनिक को ढूंढ कर लाते हैं। और दोनों वहां से गांव की ओर जाते हैं। थोड़ी दूर चलते हुए सैम अंजलि से बात करने लग जाता है, मगर अंजलि सैम की एक भी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। अंजलि, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? उस पागल बुढ़िया की बातों से डर गई है क्या? अच्छा, तुझे गेम सूझ रहा है। चल, पहले मैकेनिक ढूंढते हैं, फिर गेम भी खेलेंगे। क्या नाम था उसका? कामनी चुड़ैल वाला। और सैम को मैकेनिक की दुकान दिख जाती है। सैम हाथ जरा सा पीछे लेकर अंजलि का हाथ पकड़ता है और साथ लेकर चलने लगता है, मगर अंजलि किसी पत्थर से कम भारी नहीं लगती है। सैम बहुत कोशिश करता है, मगर अंजलि हिल भी नहीं पाती। तभी घबराया हुआ सैम टेढ़ी नजर से अंजलि के पांव की ओर देखता है, जो कि उल्टे थे। ये देखते ही सैम जोर से चीखता हुआ मुड़ता है, तो पीछे तो कोई था ही नहीं। मम्मी, भूत! सैम की आवाज मैकेनिक के कानों तक पड़ती है, मगर तब तक सैम डरता हुआ भागने लगता है। सैम दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास जाता है। क्या हुआ सैम तुझे? सूरज, वो अंजलि भी एक चुड़ैल है, मैंने अभी देखा। तभी अंजलि गाड़ी में से बाहर झांकती है। बताऊं तुझे कि ये चुड़ैल क्या कर सकती है तेरा, इडियट कहीं का। तू यहाँ कैसे आई? सैम, तुम अंजलि की गाड़ी से उतरने से पहले ही अकेले ही गांव के अंदर चले गए थे। हमने पीछे से तुम्हें बहुत आवाज भी लगाई, मगर तुमने एक न सुनी। मगर ये कैसे हो सकता है? और सैम फिर से याद करता है, बुढ़िया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। जो दिखता है वो नहीं होता। जिस कहानी को ये सब बनाने आए थे, वो कहानी तो सालों पहले ही कामिनी लिख चुकी है। मैं और अंजलि गांव के अंदर जाते हैं। हाँ ठीक है। सैम गाड़ी से उतरता है, मगर जैसे ही अंजलि उतरने लगती है, उसका दरवाजा खुलता ही नहीं है। और अचानक गाड़ी के बगल में एक काली परछाई आ जाती है, जो सैम के साथ चलने लगती है। अरे सैम, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अभी उतरी ही नहीं, रुको तो। मगर सैम चला जाता है और वो काली परछाई अंजलि का रूप ले लेती है। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी पीछे से कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, और वो डरता हुआ मुड़ता है तो पीछे मैकेनिक खड़ा था। साहब जी, मैंने आपको देखा था, लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। कब देखा था और कौन था मेरे साथ? आप तो अकेले ही थे साहब जी, फिर आप वहाँ दुकान के बाहर आकर उल्टे पांव ही भाग गए थे। सैम ये सुनकर समझ जाता है कि ये सब उसका वहम ही था, और मैकेनिक उनकी गाड़ी ठीक करने लगता है। सॉरी साहब जी, ये तो अभी ठीक नहीं होगी। एक काम करो दोस्तों, हम पैदल ही चलते हैं। और सारे दोस्त अपना सामान उठाकर गांव के अंदर चले जाते हैं। रुको गाइस, मेरे मामा जी का मकान आ गया। और रवि और बाकी लोग भी वहाँ चले जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, तुम सब हमारे गांव में आए, यही बड़ी बात है, वरना आजकल शहरों के बच्चे तो बस। लेकिन मामा जी, हम चाहते हैं कि हम किसी होटल में रुकें, ना कि आप लोगों पर बोझ बने। और सूरज की जिद देखकर रवि का मामा मान जाता है। बेटा, हमारे गांव की हवेली अब टूरिस्ट प्लेस है, तुम वहाँ रह सकते हो, और वहाँ गौरी तुम्हें गाइड कर देगी। गौरी? कौन गौरी? वो वही मिल जाएगी, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। अब जाओ, अंधेरा हो गया है, अपना ख्याल रखना। और सातों लोग हवेली की ओर निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो हवेली के करीब जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली हो, और सब हवेली के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या मस्त महल जैसी हवेली है यार, कहाँ हम मामा की झोपड़ी में रहते और कहाँ ये आलीशान हवेली। तभी अचानक से हवेली का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। तभी संजू की नजर जंगल में पेड़ के पीछे खड़ी उस डरावनी बुढ़िया पर जाती है। गाइस देखो, वो वहां।
मुझे तो यही चुड़ैल लगती है यार। अचानक हवेली के अंदर से घुंघरू की आवाज आने लगती है। सब लोग डरते हुए अंदर झांकते हैं और अचानक से दोनों दरवाजे जोर से खुलते हैं। जानते हो क्या है कामिनी का राज? अगर नहीं जानते तो जाओ आप सब भी हवेली के अंदर। अगर कामिनी चुड़ैल के बारे में सब जानना है तो देखिए हमारी ये डरावनी कहानी केवल SSG एनिमेशन हिंदी पर। मैं जानती हूँ आप सभी बेताब हैं कामिनी के हुस्न को देखने के लिए, मगर इसके लिए आपको बदले में मुझे कुछ देना भी होगा। क्या? आपका प्यार और सब्सक्राइब्स। अब देखिए आगे। हवेली का दरवाजा खुलता है और अंदर से घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। सूरज देखता है कि एक जलता हुआ लैंप किसी ने पकड़ रखा है और वो सामने से चलकर उनकी ओर आ रही है। सब लोग उधर देख रहे थे कि तभी वो पागल बुढ़िया पीछे से आकर रागिनी का हाथ पकड़ लेती है। रागिनी डरते हुए सूरज का हाथ जोर से पकड़ लेती है। ये क्या बला है यार, मैं तो जब से यहाँ आई हूँ ऐसी ही चीजें देख रही हूँ। मेरी बात मानो, शुभम ठीक कह रहा था, वापस चलते हैं। अरे छोड़ बुढ़िया, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है गाइज, अब हम फिल्म शहर में ही बना लेंगे। वैसे भी आज का दिन तो खराब ही हो गया, 6 दिन में सर को वीडियो भी तो देना है। मगर बुढ़िया रागिनी का हाथ नहीं छोड़ती है। हवेली के भीतर चलकर आ रहा वो लैंप भी अपनी जगह रुक चुका था। अचानक वो बुढ़िया रागिनी का हाथ छोड़कर थोड़ा दूर हट जाती है। रागिनी चलो जल्दी। और रागिनी जैसे ही कदम आगे बढ़ाती है वहाँ जोर से हवा चलने लगती है और तभी वो बुढ़िया जोर से चिल्लाती है। रुक जा नंदिनी। और रागिनी पलटकर देखती है तो वो बुढ़िया रागिनी के कान में आकर कुछ घुसफुसाती है। और बुढ़िया की खुशफुसाहट सुनते ही रागिनी के पांव एकदम रुक जाते हैं और बुढ़िया भी हंसते हुए किसी जानवर की तरह चारों हाथ पांव के बल आकर जंगल में भाग जाती है। चलो रागिनी चलो, रुक क्यों गई, जल्दी चलो। नहीं दोस्तों, तुम इन चीजों से डर रहे हो, हम इस पुरानी हवेली तक आए हैं, कम से कम इसे देखकर तो जाएंगी ही। ये सुनते ही बाकी लोगों में भी जोश पैदा हो जाता है और सब हवेली के अंदर फिर से झांक कर देखते हैं। तभी वहाँ रोशनी जलती है और हवेली के अंदर एक सुंदर सी पतली कमर वाली लड़की खड़ी होती है जो उन सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। आपको दौलत काका ने भेजा है क्या? हाँ हाँ, हमें मामा जी ने ही भेजा है। आइए, मेरा नाम गौरी है। बड़ा ही प्यारा नाम है। गौरी और सूरज दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और सब लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं सिवाय रागिनी के। तभी गौरी रागिनी के कंधे पर हाथ रखती है और रागिनी चौंक कर उसकी ओर देखने पर बस उसे देखती ही रह जाती है। गौरी सच में बहुत ही सुंदर थी। क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो बुढ़िया वहाँ जंगल में से हमें देख रही है। गौरी उसे देखते ही घबरा जाती है और रागिनी का हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर ले जाती है और घबराते हुए दरवाजा बंद कर लेती है। अब सब अंदर आ चुके थे। क्या हुआ? आप सब अंदर महफूज हैं, बस बाहर मत जाना, उस पागल बुढ़िया पर चुड़ैल का साया है। पर मामा ने कहा था कि सब ठीक है यहाँ। हाँ यहाँ सब ठीक है, 6 महीनों से कोई चुड़ैल नहीं दिखी, मगर शायद उसने गांव के बाहर से ही आप जवान मर्दों का पीछा कर लिया होगा। मगर आप फिक्र ना करें, वो यहाँ नहीं आ सकती है। और सब हवेली को चारों ओर नजर फैलाकर देखते हैं। यार ये हवेली तो एकदम महल जैसी है, क्या ये आपकी ही है? नहीं तो मैं यहाँ काम करती हूँ। तभी एक पुबर निकला हुआ बूढ़ा वहाँ पानी के ग्लास लेकर आता है। पानी। बाबा आप? वो मेरे बाबा हैं बहादुर, गांव वालों ने मुझे और बाबा को यहाँ की देखभाल के लिए रखा हुआ है। आप सब अब अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर लीजिए। आइए साहब जी, आपको आपके कमरे दिखा देता हूँ। लड़कियाँ ऊपर की मंजिल में रहेंगी और लड़के नीचे। और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यार बहुत थक गई हूँ, अब नहा लेती हूँ। और अंजलि बाथरूम के गेट को छू रही होती है कि तभी उसे अंदर से गुनगुनाने की आवाज आती है।
ला 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 ला। कौन है? कोई अंदर है क्या? मैं दरवाजा खोल रही हूँ। और अंजलि जैसे ही दरवाजा खोलती है, देखती है शावर के नीचे कोई और नहीं बल्कि अंजलि खुद ही खड़ी होती है। दूसरी अंजलि दरवाजे की ओर खड़ी होकर नहाते हुए अंजलि की ओर देखती है और मुस्कुराती है। आओ अंजलि, मेरे साथ नहाओ। बाथरूम में खड़ी अंजलि अंजलि की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। ये सब देखते ही अंजलि का तो होश उड़ जाता है और वो जोर से चीखते हुए वहीं बेहोश हो जाती है। अंजलि के बेहोश होते ही दो हाथ आकर अंजलि को बाथरूम के अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देती है। मजा आ रहा है ना? अब बारी किसी चिकने से मर्द की है। रवि, शुभम और संजू नहाकर हवेली के दर्शन पर निकलते हैं। यार ये कितनी औसम जगह है, हम तो ऐसे ही डरकर वापस जा रहे थे। हाँ वैसे भी उस लड़की ने कहा है ना कि जब तक हम इस हवेली के अंदर हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बाहर घूम रही चुड़ैल भी नहीं। ओ कम ऑन शुभ, तू अभी भी उस पागल बुढ़िया के बारे में सोच रहा है। तभी संजू एक तस्वीर के पास आकर खड़ी होती है। रवि देख इधर आ, इस पर क्या लिखा है? रवि और शुभम दोनों देखते हैं कि वो तस्वीर 100 साल पहले की थी जिस पर बहुत सारे नाम भी लिखे थे। लगता है ये हवेली के राजा और उसके परिवार की फोटो है। और वो आगे चले जाते हैं। संजू आगे चलते हुए एक बंद दरवाजे के ऊपर हाथ रखती है तो उसे ऐसे लगता है जैसे उसने किसी के दिल के ऊपर हाथ रख दिया हो और वो दरवाजा किसी के दिल की तरह धड़कने लगता है। संजू इस बार अपना कान दरवाजे पर लगाती है और अपने दोस्तों को आवाज लगाती है, मगर रवि और शुभम का ध्यान इधर उधर था और वो नहीं सुनते हैं। संजू नहीं जानती थी कि दरवाजे के भीतर क्या था। चमचमाती हवेली के इस कमरे के पीछे उतना ही काला अंधेरा था और उस दरवाजे के ठीक पीछे कामिनी भी खड़ी होकर अपना कान लगाकर सुन रही थी। आजा लड़की आजा। संजू इस बार दरवाजे के और करीब जाती है और दूसरी ओर खड़ी चुड़ैल कामिनी अपने नाखून बढ़ाकर दरवाजे के पार निकालने ही वाली थी कि अचानक गौरी वहां आकर संजू को वहां से हटाती है। ये तुम यहां क्या कर रही हो? वो मुझे इस दरवाजे पर किसी के दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। इस कमरे से दूर रहना, हम में से किसी को भी यहां आने की इजाजत नहीं है। और गौरी उन सबको वहां से भेज देती है और जाते हुए उस दरवाजे को हाथ लगाते हुए जाती है। रवि आखिर क्या होगा उस दरवाजे के पीछे? छोड़ना संजू, कल से फिल्म पर भी काम करना है। आजा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मेरा पिंक टॉप नहीं मिल रहा, लगता है अंजलि के कमरे में रह गया होगा। और रागिनी अंजलि के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, मगर जब अंजलि दरवाजा नहीं खोलती है तो रागिनी खुद ही अंदर चली जाती है और जैसे ही वो पांव रखती है उसे कुछ गीला गीला लगता है। रागिनी देखती है कि जमीन पर चारों ओर खून ही खून फैला था। रागिनी ये देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी सूरज उस ओर से गुजर रहा था, वो रागिनी की चीख सुनकर उस तक आता है। क्या हुआ रागिनी, तुम चीखी क्यों? सूरज वो खून। मगर जैसे ही सूरज जमीन पर देखता है तो वहाँ केवल पानी होता है। मगर ये इतना पानी आया कैसे? और तभी उन्हें बाथरूम से नल चलने की आवाज आती है जिसका दरवाजा अंदर से लॉक था। सूरज दरवाजा तोड़ देता है और दोनों देखते हैं अंजलि बाथ टब में डूब रही है और पानी बह रहा है। सूरज अंजलि को बाथ टब से निकालता है और कमरे में सुला देता है। हर चीज का इतना ध्यान रखने वाली लड़की ने आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की? इसको होश में आने में समय लगेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सूरज और रागिनी अंजलि को सुलाकर चले जाते हैं। अंजलि के सिरहाने कोई उसका सिर सहला रहा था जो कि कामिनी चुड़ैल ही थी। सूजा मेरी मुन्नी, रात हो गई, सूजा वरना कामिनी काट खाएगी। अब कौन बनेगा मेरा शिकार? गौरी सबको खाना परोस रही थी। अच्छा गौरी, ये कामिनी कौन है? कामिनी का नाम सुनते ही गौरी के हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से बाउल गिर जाता है।